हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू लाइफ। तो आज हम जाने वाले हैं घूमने, और घूमने कहाँ जाने वाले हैं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये जब वो मिलेंगे तब डिसाइड होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज मैंने पहनी है कुछ इस तरीके की आउटफिट, पिंक कलर का टॉप, ब्लैक कलर की जींस और नीचे आपको स्लीपर डाल लूंगी। तो चलो आप भी चलिए। सो गाइस, फाइनली डिसाइड हो गया कि हम जा रहे हैं लाल किले। और लाल किले में ना आधी जगह तो धूप थी और आधी जगह छाएं, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे कैश काउंटर, जहाँ से हमें टिकट काउंटर मतलब बंद था, जहाँ से हम कैश देके टिकट लेते थे, तो इस बार हमें ऑनलाइन टिकट लेनी थी पेटीएम से। तो मेरे पास पेटीएम था, मैंने पेटीएम से टिकट ले ली। और ये है बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का। आए दिन से बहुत कम भीड़ थी, कोविड-19 की वजह से ना बहुत ज़्यादा कम भीड़ थी, और जो ऑनलाइन टिकट ले ही सकते थे वही थे। तो यह है उनका एंट्री गेट, लाल किले का एंट्री गेट। तो यहाँ से हम लेंगे एंट्री, और दोनों तरफ आप देख सकते हो तोपें रखी थी। तो इस बड़े से गेट से पूरा रेड रेड रेड, यहाँ से हम लेंगे एंट्री। और इस जगह पे ना ऊंचा अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इस जगह पे हमारे नरेंद्र मोदी, जो बड़े बड़े नेता 15 अगस्त 26 जनवरी को जो भाषण देते हैं ना, यहाँ से खड़े होकर देते हैं। अभी यहाँ पे खड़े होकर देते हैं। और मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम था। और ये है मेन गेट, जहाँ से हमें प्रॉपर तरीके से लाल किले के अंदर एंट्री मिलती है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। और मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी, लाइक 1-1.5 साल पहले गई थी। तो यहाँ पे बाहर काम चल रहा था, तो उस टाइम तो मैं यूट्यूब पे नहीं थी, उस टाइम काम चल रहा था बट आज काम यहाँ का कंप्लीट था, मतलब बाहर के साइड में। और एंट्री लेते ही ना राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ छोटी छोटी स्टॉलें लगती हैं, काफ़ी सारे आइटम, आपको नेकलेस और काफ़ी सारी चीज़ें, स्टॉल, अच्छे अच्छे ब्रेसलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और काफ़ी सुंदर सुंदर। बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लाइक जैसे आप बाहर शॉप पे लेते हो ना, उससे यहाँ पे महंगा होता है। लेने वाले लेते हैं, मैंने कुछ नहीं लिया सच बताऊँगी, क्योंकि इतना बजट नहीं था। जस्ट हम घूमने गए थे, कुछ चीज़ें खरीदने नहीं गए थे। तो हमारी प्रॉपर तरीके से लाल किले में एंट्री हो गई है। तो अब यहाँ से जाएंगे हम, अपना लाल किला पूरा घूमेंगे। और लाल किले के अंदर भी ना काम चल रहा था, तो आप देख सकते हो इस वाइट वाली बिल्डिंग में जो रेड रेड से कवर है, इसमें भी काम चल रहा था और कोई भी नहीं था। और इस सामने वाले जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ से एंट्री थी। तो देखिए यहाँ से हमने एंट्री ली, और इसके सामने ये वाइट वाला पड़ता है, पर हमें सीधा नहीं गए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो हमने वहाँ से लेफ्ट मारा और उसके साइड से जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं कुछ इनसे बोल रही थी, वो याद नहीं मुझे पर मैं क्या बोल रही थी, पर मैं कुछ बोल रही थी। तो ये साइड से हम घूम के आते हैं इस वाइट वाली बिल्डिंग के पास। यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते थे बट नहीं, हम इस बिल्डिंग के अंदर से ही जाएंगे। देखना चाहते हैं ऐसा क्या है कि लाइक साइड से भी, दोनों साइड से जगह, बट ये वाइट कलर की बिल्डिंग बना रही है इसके अंदर से जाने के लिए। और जहाँ तक याद है कि ये पहले म्यूज़ियम था, मुझे प्रॉपर नहीं याद, मैं काफ़ी साल पहले गई थी, तो यहाँ पे म्यूज़ियम था शायद। तो यहाँ से लेनी है एंट्री। और ये जो सामने है ना, ये दरबार है, यहाँ पे पहले सभा लगती थी, लाइक कोई भी उनके राज्य में प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ पे प्रजा अपने राजा से शेयर किया करती थी, जितना मुझे पता है शायद ये वही है। हाँ वही, तो यहाँ पे उनकी सभा लगती थी। तो मेरे साथ घूम रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा? देख लीजिए। हाय, क्या हाय? हेलो, मेरे को बोलो। हेलो आंटी, घसंड मार दी पर। तो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ना पूरा खाली है कुछ, मतलब पहले हम आते थे ना तो बहुत भीड़ होती थी, पर अभी कोविड-19 में काफ़ी सारी जगह खाली है। और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में क्या मिलेगा पता नहीं। और आशु पहली बार लाल किला देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हो ना आप? यस, इन्हें मैं आज लाल किला और मारू इनकी बातों को, और चलते हैं आगे। और ये है हमारा फर्स्ट म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के अंदर हम एंट्री ले चुके हैं। और ये म्यूज़ियम है ना, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर थे जिसमें हमारे पहले जो हिस्ट्री है ना वो बताई गई थी। पूरे म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही बताई गई है। अगर आप लाल किले के म्यूज़ियम में घूमते हो ना, तो आपको हिस्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइक पहले के औजार मिलेंगे, ड्रेसेस मिलेगी, योजना बताई गई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी वो स्वतंत्रता का जो प्रथम सामग्री थे ना, उसकी ये पिक्चर थी।
तो कुछ इस तरीके का ये पहला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो युद्ध वगैरह हुए थे वो था। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे पहले की बिल्डिंगें बनाई गई थी, लाइक पहले के टाइम में घर कैसे थे। ये था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। और ना उस टाइम में जो बनाया जाता था, सच्ची बोलूँ आज ना, आज भी बनाए जाते हैं, बट उस तरीके से कोई भी बिल्डिंग नहीं डिज़ाइन कर पाता है जैसे पहले की जाती थी, क्योंकि बहुत सारा स्पेस हुआ करता था। तो इस फर्स्ट म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ पोस्टर पे हमारी हिस्ट्री ही हिस्ट्री है। तो वो फर्स्ट रूम था और ये है सेकंड रूम। तो इस रूम में हम, ऐसा लग रहा है सिर्फ हम ही लाल किला घूमने आए हैं और कोई है ही नहीं, क्योंकि COVID-19 की वजह से ना बहुत कम लोग आए थे विज़िट करने। तो ये सेकंड रूम था। और जल्दी जल्दी मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ, इतना टाइम नहीं है कि एक एक पोस्टर के पास मैं आपको ले जा के आराम से पढ़ पढ़ के दिखाऊं। तो सॉरी, इसी तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। ये थी हमारी तलवारें और ये थे कुछ हथियार। और यहाँ पे ये ना समझा रहे थे तो इग्नोर करो, मस्ती कर रहे थे। और ये है सिंह, और ये नहीं पता काहे के, क्योंकि इतना याद नहीं है मेरे को। तो कुछ इस टाइप का था ये सेकंड रूम। पूरे रूम में पोस्टर ही पोस्टर थे। और ये है हमारा भारत का नक्शा, मतलब हमारा इंडिया। और इंडिया तो पूछो मत, इंडिया मेरे दिल में है। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और भारत में जितनी छूट हम लोग को मिली है ना, मे भी किसी और कंट्री में हो, बहुत फ्रीडम है यार। और फिर भी काफ़ी लोग फ्रीडम 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 के लिए लड़ते हैं। हमें ना भारत में बहुत फ्रीडम मिली है। और ये है पुराने किले का, पहले का पिक की पहले पुराना, सॉरी लाल किला, पुराना किला कह रही, पहले लाल किला कुछ इस टाइप का दिखता था। और अब तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर दिया गया है बाहर की सड़कों को। तो ये थी रोटी चपाती, इस टाइम की बनाई जाती थी, चूल्हे पे बनाई जाती थी उस टाइम में। तो ये है चलो दिल्ली चलें। और ये किसने बोला था अगर आपको याद आए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और ये छोटे छोटे कांच में ना उनके औजार ही कवर किए गए थे। और ये है क्या कहते हैं इसको, कुल्हाड़ी, बंदूकें थी, छोटी पिस्टल थी, बड़ी पिस्टल थी, काफ़ी सारी पिस्टल्स थी यहाँ पे। तो ये हमने थर्ड रूम भी है जो कवर कर लिया है। और अब हम चलते हैं बाहर सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ से जल्दी 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 चलते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे भी जस्ट पिक्चरें थी और कुछ औजार थे पहले के। यहाँ पे जो पहले अभी चला गया ना, ये देखो, ये तोप के गोले थे, छोटे बड़े सबसे बड़े हर तरीके के। और आगे पता नहीं म्यूज़ियम में कि फ़ोन अलाउड होगा नहीं होगा, बस इट्स बट इस वाले फर्स्ट म्यूज़ियम में ना फ़ोन अलाउड था। और जो अभी देखा ना आपने, वो पोशाक थी पहले के राजा महाराजाओं की। तो सेकंड रूम भी पूरा कुछ उस तरीके से ही है, सेकंड फ्लोर वाला। तो देख लीजिए, ये था हमारा कुआं। और ये कुआं मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपनी सेकंड या इसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैं ना इनको बोल रही थी हमारा गांव तो यहाँ पे कवर था, थोड़ा सा लिखा हुआ था, तो उनको मैं वही कहती, देखो हमारा गांव आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लेंगे सेकंड रूम में एंट्री। और सब में यही है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर। फर्स्ट म्यूज़ियम पूरा पोस्टर से ही कवर था। तो कुछ इस तरीके का है पूरा। और आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ और समझा पा रही हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है कि मैं पढ़ पढ़ के आपको पूरा बताऊँ। अगर इतना टाइम होता ना तो डेफिनेटली मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के समझाती। फ्रेंड्स, अब आपको ना सेकंड पार्ट में आगे की वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे म्यूज़ियम भी है। तो ये वाला तो हम घूम लिए और हम जा रहे हैं इस वाले में घूमने। और मास्क लगा लिया, क्योंकि बाहर मास्क लगाना अलाउड है, वहाँ हम अकेले थे तो मास्क नहीं लगाया, पर यहाँ पे मास्क लगा लिया है। तो हम जा रहे हैं इस वाले में घूमने, ठीक है? तो आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि कैसा है दूसरे वाले म्यूज़ियम में।